हरे कृष्णा सारे भक्तजनों को। तो आज मैं सोच रही हूँ व्लॉग करने को रिगार्डिंग कि जैसे आज मेरा ऑफिस है एंड मैं आज कैसे सेवा करूँगी अपने कान्हा का, वो दिखाऊँगी। क्योंकि बहुत लोग की दिक्कत होती है कि कुछ लोग स्टूडेंट हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, जैसे मैं पहले रहती थी, तो मैं उस टाइम व्लॉग नहीं बना पाई थी कैसे मैं अपने कान्हा की सेवा कर रही हूँ जब कॉलेज जाती हूँ। तो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ कि क्या करूँगी, कैसे सेवा करूँगी जब मैं ऑफिस जाती हूँ। सो इट्स 7:30 राइट नाउ एंड मेरा ऑफिस है 9 बजे का। तो मुझे जल्दी मैं उठी हूँ क्योंकि मुझे अपने कान्हा को भी जल्दी तैयार करना है। तो जैसे मैं कान्हा को 10 बजे तक यदि 9:30 बजे तक उठाती हूँ, तो मैं इसीलिए कोशिश करूँगी मैं इनको 8:15 ऐसे उठाऊं, क्योंकि फिर मेरी कैब आ जाएगी 9:15। तो इसीलिए उस हिसाब से मुझे उठाना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँ इनको लेट उठाऊं क्योंकि ये लेट उठता है। फिलहाल ये मेरे कान्हा जो अभी सो रहे हैं आराम से, तो मैं जा रही हूँ, फटाफट तैयार होंगी, फिर उसके बाद कान्हा को उठाती हूँ। एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माई पीजी। मैं नहा धो चुकी हूँ, फिर इसके बाद अब मैं जा रही हूँ कान्हा का बर्तन धुलने। तो ये कान्हा का बर्तन, और मैं किस चीज़ से धुलती हूँ कान्हा का बर्तन ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं यूज़ करती हूँ पीताम्बरी। एंड एक बात का ध्यान ज़रूर रखें, जिस स्कॉच ब्राइट या फिर किसी चीज़ से आप जिससे धुल रहे हो उस चीज़ से कान्हा का बर्तन और अपना बर्तन बिल्कुल ना धुलना। क्योंकि मैंने कुछ कुछ लोग को देखा है कि वो दोनों एक ही यूज़ कर लेते हैं, एक ही प्लेट में खिलाते हैं, जिस प्लेट में वो खाते हैं उसी प्लेट में कान्हा को भी खिलाते हैं, और वही बर्तन भी सेम उससे धुलता है। तो फिलहाल मैं यूज़ करती हूँ पीताम्बरी। एक्चुअली पैकेट इस साइड खुला है, तो वेट मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। सो ये पीताम्बरी है एंड बहुत अच्छा है, एकदम बर्तन साफ हो जाता है। ओके, कान्हा का बर्तन धुल चुका है, मेरे कान्हा को मैं उठाऊंगी। फिलहाल रात में मैं ये उड़ाई थी, फिर 3-3 बजे के बाद मैं थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, तो फिर मैंने ये उड़ा दिया था एक और। कान्हा उठो, अब मैं आपको इनको उठा के पानी पिलाऊंगी। जैसे मैं घर पे थी तो फिर मैं दूध भी देती थी, बट यहाँ पर जैसे नहीं हो सकता तो मैं सिर्फ पानी दूंगी और थोड़ा सा काजू किशमिश दूंगी सुबह सुबह, ड्राई फ्रूट्स, एंड देन उसके बाद इनका श्रृंगार करूंगी। श्रृंगार करने के बाद आपसे से मिलती हूँ। उठ जा, देखो आपको सब लोग देख रहे हैं, उठो उठो उठ जा मेरा बच्चा। और ये मेरे कान्हा हो गए एकदम रेडी, अब ये खा रहे हैं। इनके लिए मैं सब रख के जा रही हूँ, इनसे बोल रही हूँ ये खा लेना, ठीक है? तो मैं जा रही हूँ ऑफिस। बाय बाय कान्हा, अपना ख्याल रखना बिट्टू, बाय बाय। सो मैं आ गई हूँ वापस अब, और मेरे कान्हा यहाँ पे बैठे हैं, और मैं उनके लिए क्या लाई हूँ रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। है मेरे कान्हा, और मैं इनके लिए लाई खुश सारी चॉकलेट्स। ये खूब सारी मैं अपने कान्हा के लिए चॉकलेट्स लाई हूँ, है ना मैं कान्हा? और अभी मैंने लड्डू और पानी का भोग लगाया है आते ही, और मैं जब वहाँ ऑफिस में थी ना, तो आज जैसे दोपहर में मैं इनको सुला नहीं पाई, तो मैंने मन में कह दिया था कान्हा आप सो जाओ, आराम कर लो, थोड़ा थक गए होगे, ठीक है? मन में बातें कर रही थी, और फिर जब यहाँ पर आई तो कान्हा को प्यार किया, और फिर उनको खाने पीने के लिए लड्डू और ये दिया, एंड उनको गिफ्ट दिया उनकी फेवरेट चॉकलेट्स, है ना कान्हा? एंड ये चॉकलेट्स पूरा आलमंड्स वगैरह की है, तो कान्हा को अच्छा भी लगेगा क्योंकि इनको काजू किशमिश बादाम वगैरह तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो उसी के हिसाब से लाई हूँ मैं इनके लिए, है ना कान्हा? हैप्पी 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 हैप्पी। आज नीचे खाने में था,
कुंदरू की सब्जी और उसमें बहुत ज़्यादा प्याज डाला था। तो जिस भी चीज़ में प्याज डलता है वो मैं अपने कानों को नहीं देती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं रोटी ले आई हूँ और ये चीनी है, इसलिए मैं चीनी लाई थी। कभी भी अगर रोटी हो तो एटलीस्ट मैं रोटी और चीनी अपने बाबू को खिला दूँ। तो मैं अभी जल्दी से इनको रोटी चीनी खिला दूँगी और सुला दूँगी, क्योंकि आज मेरे कान्हा ने दोपहर में भी सोया नहीं है। तो जल्दी से मैं खाना खिला के इनको सुला दूँगी। मेरे कान्हा रेडी हो गए नाइट शूट में, उनके चेहरे पे स्माइल तो देखो। कान्हू मेरा प्यारा अच्छा बच्चा, और ये मेरा कान्हा अब रेडी हो गया सोने के लिए। अब मैं इनको जल पिला के सुला दूंगी अच्छे से। और मैंने ये वैसे ही मैंने टक नहीं किया है, इसको अच्छे से मैं बांध के, मतलब बांध के क्या मतलब ऐसे करके सुला दूँ, क्योंकि रात में ना जैसे सेफ्टी पिन लग जाए या फिर कुछ भी लग जाए तो इनको चुभे ना, तो रात में सेफ्टी पिन वगैरह नहीं लगाती। तो ये मेरे कान तैयार हो गए, इनका मैंने बेड लगा दिया है ये, और अब मैं इनको सुलाऊंगी। बाकी वो प्रसाद अभी मैं खा के खुद सोऊंगी, इनको खिला चुकी हूँ तो वो मैं खा के सोऊंगी। पहले मैं सोची इनको सुला दूँ क्योंकि आज मेरे कान थक से गए हैं ना मेरे बाबू। चलो अब मेरे कान अभी सो गए हैं, मैंने इनको सुला दिया है। और कल भी मेरा ऑफिस है, सुबह मुझे जाना है, सेम रूटीन कल भी चलेगी। तो कल का मैं सारे इनका वस्त्र, जितनी ज्वेलरी है, कर्धनी, कड़े और माला, सब चीज़ निकाल के रख दिया है। जैसे सुबह जल्दी से मैं अपने कानों को तैयार करके फिर जाऊँ ऑफिस, इनको कोई दिक्कत ना हो। तो बस यही था आज का रूटीन, गाना का कैसे मैं सेवा करती हूँ। आशा करती हूँ कि ऑफिस गोइंग या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को भी थोड़ी सी हेल्प मिले। तो चलिए मैं अपने गाना को सोने देती हूँ अब। हरे कृष्णा राधे राधे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।